रूस की सेना यूक्रेन के दो प्रांतों लुहानस्क डोनेटस्क में घुस गई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ने 13 घंटे पहले ही यूक्रेन के इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए हैं। और आपको बता दें, पुतिन ने कहा कि लुहानस्क डोनेटस्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन में रूस की घुसपैठ की पुष्टि की है। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू हो गया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से ना तो कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ देंगे। उन्होंने कहा कि रूस की घोषणा और खतरों के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसी ही बनी रहेंगी जैसी पहले थी। यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन के कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है।